कैसे crate.com के अनबॉक्सिंग एंड हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत। जो पैकेज लाए हैं वो काफी गजब का है और फटाफट इसको करते हैं ओपन। ये प्रोडक्ट ये देखिए, ये BPL की तरफ से है और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 999 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, दिखा दिए यहाँ पर देखिए, आपको दिखा हुआ मिल जाता है विद परफ्यूजन इंडेक्स मिल जाएगा आपको देखने को। फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, बिल्कुल आपने सही सुना, ये है फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, यानी आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना है। और ये जो देख रहे हो आप, ये है हमारा कैमरा जेनिक और यहाँ पर देखिए होम केयर दिखा गया है, इसके इस तरफ दिखाएं आपको तो 2800 रुपये इसके ऊपर प्रिंट किया गया है, लेकिन ये हमारे को मिल जाता है 1000 से 1200 रुपये की रेंज में। परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर देखिए फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर और बाकी चीज़ें इसकी देख सकते हैं आप। फीचर्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर SpO2 मेजर करता है, ये आपकी पल्स को चेक करता है। जो SpO2 है वो देखता है आपका 35% से 100% तक आपको पता चल जाता है इसके अंदर। और आपको जो वो पल्स रेंज जो वो आपको अगर हार्ट बीट की बात करें तो 30 बीट्स पर मिनट से लेकर के 250 बीट्स पर मिनट तक जो वो ये काउंट कर सकता है। रेजोल्यूशन से आप देख सकते हैं इसकी और बाकी चीज़ें, एक्यूरेसी देख सकते हैं, एक्यूरेसी जो वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही है इसके अंदर। और पावर इसके अंदर जो वो AAA जो वो सेल डलते हैं दो, और आप कोशिश कीजिएगा एल्कलाइन बैटरीज डालिए इसके अंदर। फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं, अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा। ओके तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले सामने की तरफ देखिए आप, मिलता है आपको ये फॉर्म और अंदर की तरफ आपको फिर से फॉर्म जो वो मिल जाता है। एक मिल जाता है आपको ये स्ट्रैप जो कि ठीक है, ओके लंबाई इसकी अच्छी है, ओके काफ़ी लंबा है मेरे भाई, गले में लटका के घूमिए तो ये है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जो वो आपको मिल जाता है आपका ऑक्सीमीटर, और शायद आई थिंक इसके साथ में आपको सेल जो वो नहीं मिलेंगे, मैंने काफ़ी बार देखा है मिलते नहीं हैं। और इसके अंदर हाँ बहुत अच्छी बात, सेल मिल गए हमारे को, इसके अंदर साथ में मिल जाते हैं हमारे को ये देखिए फ्लेमिन के जो वो आपको सेल मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये है इसके साथ में एक यूज़र गाइड, और यूज़र गाइड का क्या है, ये बहुत बड़ा लंबा सा पेज है, वैसे तो ये फोर साइज के लगभग का पेज है, तो आप इसके यूज़र गाइड को देखना चाहें तो पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए इसको रखूँगा यहाँ पर, तो अभी के लिए बाकी इसके अंदर बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता है हमारे को, तो ऑक्सीमीटर की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीमीटर जब वो इस तरह से जिपलॉक बैग के अंदर आपको मिल जाता है, इसके पीछे तरफ स्टिकर लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टिकर है, और यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन है, तो इसको ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है, इस तरह से जब ये वर्किंग करता है। इसके अंदर आप डिस्प्ले देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिस्प्ले मिलती है, BPL लिखा गया है, और पल्स ऑक्सीमीटर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक बटन है सीधा, और ये एक छोटी सी इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है आपको देखने को। और इस तरह से आप इसको प्रेस करके, जब वो मैकेनिज्म इसका इस तरह का है, प्रेस करके मैकेनिज्म को और इस तरह से निकाल सकते हैं खोल करके। अंदर की तरफ आपको सेल डालनी है, तो सेल में जो वो डाल देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास में AAA बैटरीज है, तो हम लोग इनको लगा देते हैं इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर BPL लिखा हुआ आ गया है, और ऑक्सीमीटर स्टार्ट हो गया है हमारा। हम इसके अंदर उंगली लगा करके देखते हैं तो आपको क्या दिखाता है, ये हल्का बीप भी जो वो करता है साथ में। और ओरिएंटेशन इसका जिस तरफ आप इसको उंगली को रखेंगे उसी तरफ इसका ओरिएंटेशन रहेगा, मेजर कर रहा है अभी। तो मेरा जो ऑक्सीमीटर मीटर में जो रेंज है वो आप देख सकते हैं, और इस तरह का ये है आपका डिवाइस, तो इसमें काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट देता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से इसको जो वो बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, ये वैसे तो वेकअप के लिए है, वेकअप करने के लिए, बाकी ये बंद तो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंडों बाद जब वो हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे इसका रिव्यू पढ़ के तो अच्छा लगा था, बाकी इसकी जो मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँ तो हम लोग जो आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो
हमारा ये कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आने वाले समय में अपडेट करेंगे इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद, उससे पहले इसके बारे में कुछ भी कह पाना नामुमकिन है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहे।